नमस्कार यारो, मैं हूँ रॉकी और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज जा रहा हूँ बेनी से लेकर, जो नेपाल में जो बेनी है, बेनी से लेकर मस्तान तक। तो इस ठंडे के मौसम में हम लोग जा रहे हैं, पागलपंती के अलावा और कुछ नहीं है। और ये रास्ता टोटली ऑफ रोड है और ये नदी के बीच में से रास्ता है, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता था, जो पहाड़ में जो रास्ता था, वो धंस गया है और उस वजह से इस नदी के ऊपर से जाना पड़ता है। तो ये नदी में बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है और बहुत ही एक्साइटिंग राइड होने वाला है। तो सिट बैक और इन्जॉय कीजिए इस राइड को, और ट्रस्ट मी, लास्ट तक देखिए तो इसमें बहुत ही एक्साइटमेंट है, बहुत ही रोमांच से भरा हुआ है ये राइड। तो इसको ज़रूर मत 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 किसी भी हालत में मिस मत कीजिए इसको। चलो चलो चलो, टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, शाम हो जाएगी तो और भी ठंडा लगेगा। ऑलरेडी वैसे भी -11-13 तो चल ही रहा है, वैसे भी सूख रहा है सब लोगों का। ओके ओके ओके, कहाँ से जाऊँ, यहाँ से चलता हूँ। फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा हो रहा है, नदी के ऊपर से जाना पड़ रहा है। जस्ट वाव, नदी पास से गुजर रहा है, हम लोग उसके ऊपर से जा रहे हैं और सामने ऐसा पहाड़ है, नज़ारे देखिए, बादल हैं, क्लियर ब्लू स्काइज, हेवन हेवन, पूरा पैसा वसूल है। नेपाल में जो आए हैं पूरा पैसा वसूल हो चुका है, इसी के लिए बाइकर जिंदा रहते हैं। हॉर्न बजा रहा हूँ मैं, सिग्नल दे रहा हूँ, सामने बाइकर्स जो चले गए हैं उन लोगों को कम बैक करने के लिए, पीछे आने के लिए हॉर्न दे रहा हूँ मैं। लगा तो नहीं है पास अब्दा, हाँ ऊपर उठ जाओ, ऊपर उठ जाओ। अभी मैं जाकर वहाँ पर बासब तो को हेल्प भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये जहाँ से जाऊँगा वहाँ पर थोड़ा सा डीप है, तो मुझे थोड़ा सा साइड से ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं बाइक रख कर जा भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर स्टैंड लगेगा नहीं, अगर स्टैंड करूँगा तो बाइक उलटने का डर है, तो इसलिए वो थोड़ा सा साइड हो जाएंगे, शायद जाकर हेल्प कर सकूँगा। बस अब तो उसे छोड़ दो, अभी वो स्टार्ट लेगा नहीं, हाँ वो तेल उठ चुका है, उसको थोड़ा ऑफ करके रखो और रेस्ट दो। हाँ चिल करो आप, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, कुछ देर बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। हाँ अभी वो सेल्फ लेगा भी नहीं।
এমনি পড়ো না জুতো। কিতনে কমিনে হম লোক, পাঁচ দশ সোচ রে সালে মেয়ে তো গির চুকা হুম, তুম লোক সালে ভিডিও বনা রে ইসকি, কিতনে গিরে হুয়ে ইনসান হো তুম লোক, কমিনে হো, এক নম্বর কে কমিনে, লেকিন দোস্তি মে তো কমিনে পন কি তো চলতা হি হ্যায়। না জানে এসে কতনে অর পড়েঙ্গে সামনে, লেকিন জো ভি বোলো মজা বহুত আ রহা হ্যায়। বাইকার হোনে কা জো এহসাস হ্যায় वो आज जाके पता चल रहा है। দূর দূর তো ইহা পর কুছ ভি নহি হ্যায়, সিরফ হাম ইয়ে পাগল বাইকারস হ্যায় জো ইহা পর যা রহে হ্যায় আর উপর যা রহে হ্যায় মস্তাঙ্গ মে, জহাঁ পর আবি টেম্পারেচার হ্যায় -25, -30 ডিগ্রি ওহাঁ পর টেম্পারেচার হ্যায় আর ওহাঁ পর হামলোগ বাইক লেকর যা রহে হ্যায় কলকাতা সে লেকর নেপাল তক। তো বাদ বাকি কা ভিডিও আতা রহেগা, আর ইয়ে ভিডিও কেসা লাগা আপ লোগো কো জরুর কমেন্ট সেকশন মে জরুর বতাইয়ে, লাইক শেয়ার জরুর কিজিয়ে আর সাবস্ক্রাইব করা না ভুলিয়ে, আর বেল আইকন কো জরুর দবাই আগর বেল আইকন কো আগর নেই দবায়া হো তো। আর ইস টাইম মে জানা মতলব বহুতই খতরনাক হ্যায়, মে সাজেস্ট করুঙ্গা আদার বাইকারস কো কি ইস টাইম মে ও নাহি আয়ে তো বহুতই আচ্ছা রহেগা, কিউকি ইস টাইম মে আপকে রাস্তে মে বরফ কা জো ক্রিস্টাল হ্যায় ক্রিস্টাল হোকার পড়া রাতা পুরা জম যাতা পুরা রাস্তে মে, তো উসে কে হতা কি বাইক কা জো টায়ার্স হ্যায় ও বহুত স্লিপ করতা হ্যায়, সে ইয়ে জো নর্মাল বাইকস হ্যায় নর্মাল বাইকস কে টায়ার্স হ্যায় ইসমে তো একদমই নি যায়েগা, ইয়ে আপ উতনা রিক্স নাই লে তো আচ্ছা রহেগা, কিউকি ইহাঁ পে অ্যাক্সিডেন্ট হোনে কা বহুতই জ্যাদা চান্সেস হ্যায়। আর হামলোগ জো অফ রোড করকে আয়ে হ্যায় স্পেশালি পোখারা সে লেকর আপ তক জো আব তক কা জো সফর হ্যায় ও অলমোস্ট হ্যায় 240 কিলোমিটার, তো 245 কিলোমিটার আনে কা আর ফির জানে জানা ভি হ্যায় অলমোস্ট 500 কিলোমিটার পড় জাতা হ্যায়, পুরা টোটালি অফ রোড হ্যায় ইসকা, আপকা সকর তো যায়েগা হি যায়েগা, ফ্রন্ট সকর পিছলা সকর সব সকর কা কুছ নেই রহেগা, আর সকর ভি শকিংলি শকড হো যায়েগা, ইতনা অফ রোড হ্যায় ইতনা অফ রোড হ্যায়, আপ সোচেঙ্গে সোচ ভি নহি সকেঙ্গে কিতনা অফ রোড হ্যায়, ये ऑफ रोड का बाप है बाप। इसके सामने लद्दाख कुछ भी नहीं है क्योंकि लद्दाख का कुछ पोर्शन ही रास्ता जो खराब है, लेकिन ये भयंकर खराब है और ये ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर रास्ता खराब है सिर्फ जाने का और फिर उसके दोबारा फिर आने का, मतलब 500 किलोमीटर आपका पूरा ऑफ रोड है, कंप्लीट ऑफ रोड है, और जो आप लोग समझ रहे हैं ऑफ रोड उससे कहीं खराब है, तो जस्ट इमेजिन कीजिए। और आने वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तो स्टे ट्यून। মেরা ইয়ে মাননা হ্যায় কি জো পোখারা সে লেকর জমসম মস্তাঙ্গ কা জো রাস্তা হ্যায় ইসকো জো বাইকারস কমপ্লিট কর সকতে হ্যায় ও ট্রাস্ট মি গাইস দুনিয়া কে কোই ভি রাস্তা কোই ভি টেরেন ও কমপ্লিট কর সকতে হ্যায়।
दैट्स हाउ डिफिकल्ट एंड टफ टेरेन इट इज़। तो गाइस अगर किसी को अगर कोई भी अगर टफ चैलेंज कंप्लीट करना हो तो इस रास्ते में ज़रूर अपने लाइफ में एक बार आइए। और जिस दिन मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे उसको सेलिब्रेट करने मैं इस रास्ते में दोबारा ज़रूर आऊँगा। और मेरे यहाँ पर बहुत सारे दोस्त भी हुए हैं, नेपाली दोस्त भी बहुत सारे हुए हैं, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं वो लोग। मैं उन लोगों को लेकर आऊँगा और यहाँ पर सेलिब्रेट करूँगा। बहुत ठंडा लग रहा है यार, यहाँ पे बहुत ठंडा लग रहा है। हम लोग को थोड़ा और प्रिपेयर होकर आना चाहिए था यहाँ पर। कैसे जाए समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही ठंडा है। जो सामने धूप देख रहे हैं उसको देखकर आप थोड़ा सा भी गलतफहमी में मत रहिए, यहाँ पे बहुत ठंडा है। और इतना हवा आ रहा है क्योंकि ये पहाड़ के बीच में है और ये जो नदी का रास्ता है यहाँ पर बहुत ही हवा इतना आ रहा है कि आपकी रूह तक मतलब काम जाएगी। यहाँ पर आई कैन फील कि मेरा भीतर के जितने भी हड्डियाँ हैं सब कांप रहे हैं। लगता है घर जाने के बाद सॉकर चेंज करना ही पड़ेगा। वो लोग पीछे खड़े हैं, शायद लगता है कुछ हुआ है वहाँ पर, तो जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ है। भाई क्यों छुपी हुई तोल भाई? खुली सो ना। बासबदा फिर से रास्ता भूल गए हैं तो दूसरी तरफ से आ रहे। और मजे की बात यह है कि हम लोग सब सीधे देख रहे थे क्योंकि नदी का रास्ता तो स्ट्रेट है, तो हम लोग सभी सीधे देख रहे थे। तो अचानक देखा कि राइट साइड के माउंटेन से हॉर्न का आवाज़ आ रहा है, तो अचानक सब लोग अपना गर्दन घुमाते हैं उस तरफ, देखते हैं डायरी तरफ कि एक बाइकर दूसरे बहुत दूर से हॉर्न बजाते हुए आ रहे। तो अभी वो उस तरफ नदी की उस तरफ स्ट्रक है तो वो आ नहीं पा रहे क्योंकि वो एक बार गिर चुके हैं नदी में और उसके बाद से थोड़ा सा डर गए हैं। तो मानस गया है वहाँ पे उनको ले आने के लिए। টাকা নেই তো কারো কাছে কোনো টাকা নেই, সেটাই এনি হাও জংশন পৌঁছতেই হবে। এটা এটা সুমন স্যার ঠিকই হোক।
लगता है मुझे बैटरी और भी सारे लेकर आना चाहिए था, क्योंकि ठंडे इलाके में बैटरी बहुत ही जल्द ड्रेन्ड हो जाता है, तो बहुत सारे फुटेज मैंने कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि बैटरी ड्रेन हो चुका था। तो जब भी अगर कोई भी अगर यहाँ पर आना चाहे या कहीं पर भी अगर ठंडे इलाके में जाना चाहते हो तो ढेर सारे बैटरी ज़रूर लेकर जाओ। लगता है कि नदी का सफ़र ख़त्म होने को आ रहा है, तो यारो आप लोगों को ये सफ़र कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, आते वक्त मैं इस रास्ते को वापस पकड़ूंगा क्योंकि यही रास्ते से फिर से नीचे जाना पड़ेगा, तो उस सफ़र को आप देखना चाहते हैं कि नहीं वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आते वक्त इस नदी का स्तर और भी बढ़ने वाला है, तो रास्ता बहुत ही डेंजरस होगा और रोमांच से भरा रहेगा। Finally, we did it. अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए आने वाले वीडियो को पहले देखने के लिए। धन्यवाद।